बठिंडा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजावड़िंग स्वभाव से विद्रोही और प्रवृत्ति से जुझारू हैं। राजावड़िंग ने उस समय कांग्रेस पार्टी को अपना कंधा दिया है जब बड़े नेता साफ बचकर निकल गए। राजावड़िंग अपने बयानों और ट्वीट के कारण भी चर्चा में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले राजावड़िंग का मुकाबला अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल से होगा। पंजाब एकता पार्टी के सुखपाल खैरा और आम आदमी पार्टी की विधायक प्रोफेसर बलजिंदर कौर भी बठिंडा से मैदान में हैं। बठिंडा से कांग्रेस की टिकट के लिए मनप्रीत सिंह बादल, रणिंदर सिंह, नवजोत कौर सिद्धू और विजय इंद्र सिंगला के नाम भी आए थे। मनप्रीत बादल का हरसिमरत कौर बादल से खून का रिश्ता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हरसिमरत कौर बादल ने नजदीकी मुकाबले में मनप्रीत बादल को बठिंडा से हराया था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुत्र रणिंदर सिंह का नाम भी बठिंडा से कांग्रेस के टिकट के लिए सामने आया था। रणिंदर सिंह 2009 में बठिंडा से हरसिमरत बादल से पराजित हुए थे। पंजाब के बड़बोले मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को भी पार्टी ने बठिंडा से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। संगरूर से कांग्रेस विधायक और कैप्टन सरकार में मंत्री विजय इंद्र सिंगला को भी पार्टी ने बठिंडा से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन सभी बड़े कांग्रेस नेता केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल के सामने चुनाव लड़ने से कन्नी काट गए। राजावड़िंग का संबंध गिदड़वा के किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं है। 35 साल की छोटी उम्र में राजावड़िंग ने पहली बार गिदड़वा से विधानसभा का चुनाव जीता। 2017 में दूसरी बार विधायक बनकर राजावड़िंग ने वोटरों पर अपनी पकड़ को साबित कर दिया। इससे पहले गिदड़वा को अकाली दल और बादल परिवार का गढ़ माना जाता था। प्रकाश सिंह बादल और मनप्रीत सिंह बादल अकाली दल की ओर से गिदड़वा से चुनाव जीतते रहे हैं। राजावड़िंग का विधानसभा क्षेत्र गिदड़वा लोकसभा चुनाव में बठिंडा सीट का हिस्सा नहीं है, लेकिन बठिंडा लोकसभा सीट में आने वाली 3 विधानसभा सीटें लंबी, बठिंडा ग्रामीण और भुच्चो मंडी की सीमाएं गिदड़वा के साथ लगती हैं। राजावड़िंग का स्वभाव विद्रोही और प्रवृत्ति जुझारू है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में जगह न मिलने पर राजावड़िंग ने असंतोष प्रकट किया था। पंजाब सरकार की कारपोरेशन के चेयरमैन की नियुक्ति से भी राजावड़िंग खुश नहीं थे। माना जाता है कि पंजाब कांग्रेस के बहुत से नेता राजावड़िंग को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, इसलिए राजावड़िंग को पंजाब की राजनीति से बाहर करने के लिए काफी समय पहले से ही उनके विरोधियों द्वारा उनका नाम लोकसभा चुनाव के लिए उछाला जाने लगा था। लेकिन लगता है कि राजावड़िंग इस तीखे मुकाबले से और अधिक निखर कर निकलेंगे। राजावड़िंग सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। कई बार फेसबुक लाइव के जरिए भी अपनी बात अपने वोटरों और शुभ चिंतकों तक पहुंचाते हैं। कई बार ट्वीट कर कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपनी नाराजगी जताते हैं। राजावड़िंग अपने बयानों और टिप्पणियों के कारण विवादों में भी बने रहते हैं। पंचायत चुनाव से एक दिन पहले राजावड़िंग ने हनुमान चालीसा पर ट्वीट किया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। पिछले दिनों राजावड़िंग ने कह दिया था कि वह इतना सुंदर शमशान घाट बनाएंगे कि अच्छे भले आदमी का दिल मरने को करने लगेगा। बठिंडा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा मतदाता सिख बिरादरी के हैं। चारों प्रमुख उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल, राजावड़िंग, सुखपाल खैरा और प्रोफेसर बलजिंदर कौर का संबंध भी जट सिख बिरादरी से ही है। इस सूरत में बठिंडा सीट पर दूसरी बड़ी बिरादरी पंजाबी अग्रवाल की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।